नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात के राष्ट्रीय दैनिक अखबार और ऑनलाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी और कड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक किसान के खलिहान में लगी आग, लगभग 40,000 का नुकसान। झारखंड से सदानंद यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के अंतर्गत सतडीहा पंचायत ग्राम नवादा निवासी सुखदेव सिंह के खलिहान में लगी आग। बताते चले कि ये घटना रविवार की करीब 7:30 बजे शाम को अचानक से खलिहान में आग लग गई। चेहाल निवासी राजेश पंडित आग को देखकर हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं। इससे उनके अथक प्रयास से खलिहान में भी रखे धान और पवाल को बचाया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने पानी और मिट्टी से आग को बुझाने में सफल रहे। किसान सुखदेव सिंह का कहना है कि मेरे खलिहान में लगभग 40 से अधिक का पवाल और धान था, जो कि सारा का सारा आग में जल गया। वहीं मौके पर सतडीहा पंचायत सदस्य सुरेश प्रसाद यादव ने कहा कि सुखदेव यादव एक बहुत गरीब किसान है, इसे सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं मौके पर समाज सेवी नवीन सिंह, अरुण सिंह, अजीत सिंह, ग्रामीण सहित लोग मौजूद थे। देखिए पूरा बर्बाद हो चुका, पीछे भी धान रखा हुआ, एक भैया बचाए, इसको बहुत प्रयास किया बचाने का। कितना देर पहले का घटना है, करीब करीब कितना बजे का घटना है ये घटना? करीब अभी कितना टाइम हो रहा है? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हुआ है, मतलब ये 7:30 बजे का घटना है। 7:30 बजे घटना है ना? हाँ। आप कहाँ है? चाचा, क्या कहना है आपको इस पे? आपका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया तो हम क्या कहेंगे, इसको जो किया उसका जो है भला हो, भगवान भला करे उसको, इसी तरह करते जाए सगरे। तो कुछ सरकार से मांग करना चाहते हैं क्या? नुकसान में क्षतिपूर्ति किया जाए जो धान उन सब है ना, धान उन जल गया ना। बोलते 2,000 खाली पवार जला हुआ है, 15,500 लगभग, लगभग कम से कम 40,000 का नुकसान है इसमें। 40,000 का नुकसान है ना जी।